तो ये देखिए हमारा लिट्टी और चोखा की रेसिपी बनके तैयार है। इसे अब हम सर्व करेंगे। लिट्टी और चोखा की रेसिपी के लिए हमने 100 ग्राम के आसपास सत्तू लिया है, ये चना सत्तू है। उसमें नमक डालेंगे और दो हरी मिर्च हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट के, और ये धनिया पत्ता, और ये हरा लहसुन का पत्ता है तो आप इसे भी आप डाल दें तो इसका टेस्ट और ही अच्छा आएगा। और ये हमने कुछ अचार के मसाले लिए थे, और लहसुन और अदरक हमने लहसुन हमने 7 से 8 कलियाँ बिल्कुल बारीक काट के, और अजवाइन और मंगरेला को डाला है। तो अचार के मसाले और नींबू आप डालेंगे तो थोड़ी सी खटास आएगी इसमें, जो कि सत्तू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमने नींबू का रस फाइनली इसे गाड़ दिया है, तो हमने नींबू निचोड़ के इसे अब अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे हम लगभग 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर इसे और अच्छे से मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली सत्तू मसाला बनके तैयार है। अब हम इसे आटे में डाल के इसे भरेंगे। आटे को हमने लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही गूंथ के इसे रख दिया था, तो ये आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी लोई तैयार करेंगे। लोई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसका जो भरने का फीलिंग जो है, तो इस प्रकार से शेप हमने दिया है, और इस प्रकार से उंगलियों के सहारे प्रेस करके इसे इस प्रकार से बंद करेंगे हम, ताकि अच्छे से हमारा जो लिट्टी है ये पक जाए। लिट्टी जो है बिहार का बहुत ही चर्चित फूड है। लिट्टी और चोखा बहुत ही ज़्यादा फेमस फूड है। तो इस प्रकार से हम इसे गोल कर लेंगे फिर। तो ये देखिए हमारा फाइनली गोल हो चुका है। तो इसी प्रकार से हमने सारे लिट्टी को तैयार किया है भर के। तो अब हम इस प्रकार के बर्तन लेंगे, उसमें हम सारी लिट्टी को डालेंगे एक एक करके। इस प्रकार के बर्तन आपको मार्केट में आपको इजीली 700-800 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। इसे बोलेंगे अप्पे बर्तन, तो आपको ये दे देंगे। ये 12 रेक वाले भी आते हैं, हमारे पास 7 रेक वाला है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो इसे बिल्कुल देखिए इसे हीट करके हम डालेंगे लिट्टी को। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारा पक रहा है। तो इसे आप पलटी करते रहें धीरे धीरे। ये देखिए हमारा चारों तरफ पक गया है, और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। इसे लो टू मीडियम पे पकाएंगे, फ्लेम को हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। तो ये देखिए हमारा फाइनली पक चुका है। आप उंगलियों के सहारे इसे नचा सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारा लिट्टी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे लिट्टी को। तो है ना, ये देखिए कितनी अच्छी और गोल बन के तैयार हुई है। इस प्रकार के आप बर्तन में बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। तो अब हम इस प्रकार से जाली लेंगे। आप ये जाली मार्केट में कहीं भी 100 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने एक बैंगन लिया है, लगभग बैंगन 300 ग्राम के आसपास है हमारा। तो इसी प्रकार से हम पकाएंगे इसे भी मीडियम फ्लेम पे। तो हमने चीरा लगाना भूल गया था बैंगन में, तो आप चीरा ज़रूर लगा दें, ताकि इसे अच्छे से ये बैंगन अंदर तक पक जाए। आप चाहे तो चीरा लगा के इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, हमने लहसुन नहीं डाला यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा बैंगन भी फाइनली पक चुका है। आप इसी प्रकार से मीडियम टू लो पे पकाएंगे इस बैंगन को। तो ये देखिए हमारा बैंगन पक चुका है। अब इसके सारे छिलके हम उतार लेंगे। तो ये देखिए हमने सारा छिलका को उतार लिया है, और अब हम इसके डंठल को हम निकाल देंगे चाकू की मदद से। तो ये देखिए हम देख लेंगे इसमें कीड़े उड़े तो नहीं है बैंगन में। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे, और आप चाहे तो बगैर फ्राई किए हुए चोखा को भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जीरा और हरी मिर्च लगभग 2 से 3 हमने बारीक बारीक काट के डाला है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया था इस प्रकार के शेप में,
और ये हमने लहसुन की जो हरी पत्ती होती है सर्दियों में मिल जाती है आसानी से, टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने 2 से 3 बड़े साइज का लिया है, उसे इस प्रकार से हमने चॉप किया है, तो इसे भी हम मिला लेंगे और इसे भी सॉफ्ट होने देंगे। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने बिल्कुल छोटी चम्मच से आधी चम्मच धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो मसाले अब बिल्कुल नाम मात्र का इस्तेमाल करेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे मसाले इसमें। तो अब हम फाइनली मसाला भून चुका है, तो हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। ये जो बैंगन हमारा पका हुआ है इसे भाटा बैंगन बोलते हैं। आप चाहे तो लंबे वाले बैंगन का भी इस प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन भाटा वाला बैंगन का इसका फ्लेवर कुछ और आता है। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये बन चुका है। इसे हम थोड़ी सी पका लेंगे ढक के लगभग 3 से 4 मिनट, ताकि जो भी इसमें कच्चापन हो अच्छे से पक जाए। तो ये फाइनली हमारा पक चुका है। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने धनिया पत्ता इसे ऐड कर लिया है, तो है ना बिल्कुल लाजवाब चोखा बन के तैयार है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म सर्व के लिए तैयार है लिट्टी और चोखा। तो आप भी इस प्रकार से लिट्टी चोखे की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि इसकी ये लोग लिट्टी और चोखे की रेसिपी बन के बाद कैसी लगती है। ये देखिए हम इसे तोड़ के देखते हैं एक लिट्टी को, इसमें जो फीलिंग भरा है हमने देखिए कितना अच्छा, इसमें सत्तू इसका टेक्सचर इसका अच्छा दिख रहा है। तो अब हम इसे सर्व के लिए करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करके आनंद लें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।